बेजुबान हिरण को जंगली कुत्तों ने नोच नोच कर खाया। बेजुबान हिरण को 2 सालों से बंधक बना रखा था वन विभाग के कर्मचारियों ने। यूपी के रामपुर में वन विभाग कर्मचारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां जिंदा बेजुबान हिरण को जंगली कुत्तों ने नोच नोच कर खाया है। बेजुबान हिरण को 2 सालों से बंधक बना रखा था वन विभाग के कर्मचारियों ने, जिसमें विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही को बेजुबान ने अपनी जान देकर चुकानी पड़ी कीमत। बेजुबान हिरण को 2 सालों से बंधक बनाकर रखा था वन विभाग के कर्मचारियों ने। मामला रामपुर के पीपली वन जंगल का है, जहां बानी एनिमल एसोसिएशन के अध्यक्ष हिफाजत अली बानी ने मौके पर पहुंचकर मृतक हिरण के शव का मुआयना किया और DFO रामपुर को भी जानकारी से अवगत कराया। बानी ने बताया कि यह मौत नहीं हत्या है। जिन हाथों में इन पशु जानवरों को बचाने की जिम्मेदारी दी गई है, उन्होंने ही इस हिरण को 2 सालों से वन विभाग की चौकी में बंधक बना रखा था। आज एक बहुत ही दुख भरी घटना सामने आई है, जो कि पीपली वन के गेस्ट हाउस में कई वर्षों से एक ब्लैक बक बंधा था, जो कि रस्सी में बांध कर रखा गया था। जो कि उसे देखकर ऐसा लगता था कि आखिर इसे किस खता की सजा मिल रही है। हमारे द्वारा कई बार उस संबंध में आला अधिकारियों से वार्ता की गई कि आखिर इस हिरण को क्यों बांध के रखा गया है, इसको आज़ाद कर देना चाहिए, लेकिन हमारी बात पर संज्ञान नहीं लिया गया। आखिर उसका परिणाम ये रहा कि आज, जैसा कि वन विभाग के कर्मचारियों ने बताया, कि एक कुत्तों के झुंड ने उस हिरण पर अटैक किया, जिसका उसकी मौत हो गई। ये सूचना पाकर मैं स्वयं खुद एवं जिला वन अधिकारी महोदय, रेंजर साहब, SDO साहब पीपली वन पहुंचे। जब घटना स्थल पर जाकर देखा, ब्लैक बक के जिस्म पर एक भी मांस का टुकड़ा नहीं था, मात्र उसका कंकाल वहां पाया। यदि अगर वो रस्सी से नहीं बंधा होता तो शायद उसकी जान नहीं जाती, क्योंकि रस्सी में बंधे होने के कारण वे बेजुबान जानवर बेबस हो गया था। आखिर उसने अपनी जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष तो किया होगा, लेकिन बंधे होने के कारण आखिर वो हार गया और मर गया। लेकिन उस बीच कितनी बेदर्दी से उसको नोच नोच कर कुत्तों के द्वारा खाया गया, लेकिन उस चौकी के अंदर रहने वाला कोई भी कर्मचारी एवं जो फॉरेस्टर एवं फॉरेस्ट गार्ड थे, उन्होंने बाहर निकलकर ये तक नहीं देखा कि 10-5 कुत्ते एक हिरण पर हमला कर रहे हैं, और ना कि 2-4-5 मिनट का प्रोसेस था। उन्होंने घंटों आराम से बैठकर उसको खाया होगा, लेकिन किसी ने इतनी जहमत नहीं की जो वहाँ तक जाके देख लेते। उनको भी सुबह में जब ये घटना उसका कंकाल देखा, तब उन्होंने अनुमान लगाया कि कुत्तों ने खाया, इसने खाया, उसने खाया, स्पष्ट रूप से वो भी नहीं बता पाए। लेकिन अगर हमारी बात मान ली गई होती और उसको आज़ाद कर दिया गया होता, तो ये घटना नहीं घटती। ये वन विभाग के लिए बहुत ही शर्म की बात है और उनके ऊपर ये कलंक है कि उनकी लापरवाही के कारण आज किसी बेजुबान जानवर की जान गई है, और वो भी ऐसे जानवर की जो ना कि इंसान की आहट बल्कि अगर किसी जानवर की भी आहट सुनता है तो इतनी फुर्ती से भागता है कि वो 1, 2, 4 नहीं 10-20 कुत्तों को भी कब्जा देने वाला नहीं था। क्योंकि बड़े पशु जो मांसाहारी हैं, चीता, गुलदार, टाइगर, लेपर्ड जैसे पशुओं के भी वो आसानी से हाथ नहीं आता है, लेकिन उस रस्सी में बंधे होने के कारण बेबस जानवर ने आज तड़फ तड़फ कर वहाँ जान दी है। इस सब का जिम्मेदार आखिर कौन है? पूरे वन विभाग के सिस्टम पर ये सवालिया है, ये सवाल उनसे पूछने का बनता है कि आखिर 2-3 घंटे के प्रोसेस में आप सबने क्यों बाहर निकल के नहीं देखा।